जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में अब जयंती मनाएंगे। पटेल की फोटो और संदेश को प्रदर्शित करें, ये निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही एकता दिवस शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जाएगा। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही अवनीश अवस्थी ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए, और इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से मिल रही है। गोली चलने से सिपाही घायल हुआ है। पचखरा थाने में तैनात था ये सिपाही। सिपाही के हाथ में गोली लगी है। FH मेडिकल कॉलेज में आगरा रेफर किया गया है। तो स्थिति को देखते हुए आगरा रेफर किया गया है। SP सिटी ने बताया कि नाल साफ करते समय गोली चल गई। फिरोजाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। पचखरा थाने में तैनात था ये सिपाही जिसके हाथ में गोली लगी है। हालांकि अब मेडिकल कॉलेज से आगरा के लिए रेफर किया गया है, इलाज जारी। अमेठी से बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल